मेरी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य गिरी, ड्रग एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएटर, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में अंजीर के कुछ फायदों के बारे में आपको बताने वाला हूं। अंजीर के फायदे के रिलेटेड तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि अंजीर में ये फायदे होते हैं। ओवरऑल अंजीर में वो सारे गुण प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए बेनिफिट होता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। कुछ ज़रूरी बातों के बारे में अगर हमें पता लग जाएगा तो अंजीर हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। और इसका सही तरीका क्या है सेवन करने का, आखिर पूरे दिन भर में आपको अंजीर का कितना सेवन करना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में अंजीर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर आप अंजीर का सेवन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। आज इस वीडियो में अंजीर की सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंजीर के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। उसमें जो सबसे पहला आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है वो ये है कि पेट से जुड़ी समस्याओं में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या रहती है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, काफ़ी सारी समस्या होती है, तो आप जो है डेली रात में सोने से पहले आपको एक कप दूध में 2 से 3 अंजीर आपको उसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से बॉयल करके आप जो है सिप सिप करके रात में पी सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा इससे। आपका पेट से रिलेटेड जो है जो भी समस्या है वो सुबह आप जब सो के उठेंगे तो देखेंगे आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं रहेगी। यहाँ दूसरा आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है हमारी बॉडी से और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ाती है, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारी बॉडी से कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। साथ ही साथ ये जो है ट्राइग्लिसराइड को भी जो है हमारी बॉडी से कम करती है, जिससे कि हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारे नसों में जो है ब्लॉकेज नहीं होता है। ओके, तो आप जो है अंजीर का सेवन आप रात में इसको भिगो दीजिए और सुबह उठ करके आप जो है 2 से 3 अंजीर आप खा भी लीजिए और जो जिस पानी में आपने भिगोया था वो पानी भी आप पी लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ जो आपको तीसरा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपको जो है आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, यानी कि आपके स्किन से रिलेटेड अगर पिंपल्स है, एक्ने हैं, तो ये इनमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करता है। और साथ ही साथ आपको खुजली वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, इरिटेशन रहता है आपको स्किन में, तो इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है जिस तरीके से रात में आप सिंपली भिगो करके सुबह उठ करके इसका सेवन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्थ आपको हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, यानी कि मेंस और वुमेन्स में फर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ स्पर्म काउंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो साइकिल होती है वुमेन्स में उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर जो आपको फिफ्थ हेल्थ बेनिफिट मिलेगा वो रहेगा जॉइंट से रिलेटेड, यानी कि अक्सर हमें देखा है कि हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, हमारे मसल्स में पेन होता है, तो आप जो है इनके स्ट्रेंथनिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप जो है अंजीर का सेवन कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर सूजन हो रखी है, इन्फ्लेमेशन है, हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, और कई स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अर्थराइटिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप जो है अंजीर का सेवन जो है करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो सिक्स्थ आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो है अस्थमा के लिए। तो अगर आपको अस्थमा है तो आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं। ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, साथ ही साथ ये जो है आपकी बॉडी से कफ को निकालने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप जो है अपने लंग्स के हेल्दी के लिए भी इस अंजीर का सेवन कर सकते हैं और अगर आपको अस्थमा है तो भी आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर जो आपको सेवन्थ आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो है कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो इससे हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो भी इन्फेक्शन के कारण हमें जो भी बीमारियाँ होती है, बुखार होता है, हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो ये सारी बीमारियाँ नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसमें जो 8th है, अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है और आप अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप जो है डेली बेसिस पे अंजीर का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 अंजीर आप जो है दूध के साथ रात में सोने के टाइम आप इस्तेमाल करिए, आपके शरीर में खून की कमी जो है वो दूर होगी। तो सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था बॉयल करके उस तरीके से आपको सेवन करना है। इसमें जो 9th आपको बेनिफिट मिलता है वो है डायबिटीज से रिलेटेड। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप सभी भी जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है या फिर जो लोग चाहते हैं कि उनको डायबिटीज़ ना हो, हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो लोग भी अंजीर का सेवन जरूर करें। इसमें जो लास्ट आपको 10th बेनिफिट मिलता है वो है वेट लॉस के लिए। तो कई लोग जो है वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो अंजीर का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका आपको ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ताज़ा अंजीर का सेवन करना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। ठीक है,
अब जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है सेवन करने का। तो वैसे तो मैंने वीडियो में आपको बताया ही, बट इसका हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला इसका जो तरीका आता है वो रहता है कि आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो 2 से 3 अंजीर आप दूध में उबाल लीजिए और रात में सोने से पहले आप इसका सेवन कर लीजिए। जो दूसरा इसका तरीका रहता है कि आप जो है पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। रात में आपको सिंपली 2 से 3 अंजीर आपको भिगोना है और सुबह उठ करके आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं। इसका पानी भी आप पी लीजिए जिस पानी में आपने भिगोया था, और 2 से 3 अंजीर खा भी लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा स्टेप आता है, तो कई लोग इसका कच्चा भी सेवन कर लेते हैं, तो वैसे भी ठीक रहता है, बट अगर आप पानी में भिगो करके सेवन करेंगे तो आपको इसका फायदा जो है 2 गुना मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप थे, तरीका था सेवन करने का, और जो क्वांटिटी थी वो थी 2 से 3। ओके, सो अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी है, आपको कोई मेडिसिन चल रही है, आपको रिसेंटली सर्जरी हुआ है, तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर देखिए, ऐसे तो ऐसे कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है कि इसके आपको नुकसान हो जाएंगे, बट इसकी जो क्वांटिटी है उस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा सेवन करेंगे तो आपको नुकसान करती है, तो सेम 2 से 3 से ज्यादा का आपको इसका सेवन नहीं करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अंजीर के ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत हेल्दी चीज है। आप इसका लिमिट क्वांटिटी में सेवन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये तो मैंने बहुत 10 ही बेनिफिट्स आपको बताए हैं, और भी इसके काफी सारे बेनिफिट है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।